असलम कैसे हैं आप सब वेलकम बैक मैं न्यू ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे जी और आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है आज हम करेंगे ढेर सारी शॉपिंग और आज मैं आपको बताऊँगी कि हम कौन से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं जो हम इतनी शॉपिंग कर रहे हैं तो ये मैं गाड़ी में बैठी थी और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया ये जी रही एक हमारे हाथ में लिस्ट जो हमने सामान लेना है ये सारी लिस्ट हमने रात में ही मना रही थी आज घर की ग्रोसरी हम नहीं करेंगे आज हम करेंगे आउट ऑफ कंट्री जाने की जितने भी हमने कोई शॉपिंग लेने इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो सारी लेंगे यहाँ से बच्चों की भी साथ से लेंगे, क्योंकि बच्चों को भी हमने कहीं और छोड़ना है बच्चों को साथ नहीं ले जाना अब क्यों नहीं ले जाना ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स में बताऊंगी ठीक है जी यहाँ से हमने खाने पीने की चीजें लेनी है जो जरूरी ज़रूरी सामान होता है वो सारी चीजें हमने लेनी है कहाँ जाना है ये चल के आगे चल के बताती हूँ ये वाला बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा था ये आप देख रहे हैं ये टीचर है इसके आई थिंक पुराने पार्क पर एक पेंसिल वगैरह दी होती है जो आप फेरते हैं तो वो जो खुद ही आपको जो है रीड करके सुनाता है और उसके बाद ही हमने पावर बैंक वगैरह इस तरह की चीजें लेनी नहीं थी और उसके बाद हमने कुछ पर्सनल जो चीजें होती हैं वो वगैरह सारी सब चीज़ें ली और उसके बाद ये शूज़ वाले आ गए मैं और ये शूज़ देख रही थी यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल शूज़ चाहिए थे और स्लीपर शूज़ चाहिए थे तो मुझे यहाँ से वो उस तरह के मिले नहीं तो बस यहाँ मैं रेस्ट कर रही थी उसके बाद ये डिकोर आइटम्स बहुत क्यूट लग रही थी लेकिन अभी डिकोर आइटम्स नहीं लेनी अभी हम कुछ और शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं तो बहुत थी प्यारी बहुत है लगी कि ये एक्सपेंसिव भी बहुत थी उसके बाद जी हमने देखे कुछ बैग हमने बैग लेना था एक बड़े साइज़ का क्योंकि दो बैग ऑलरेडी पास हैं लेकिन मुझे एक और बैग चाहिए था क्यों चाहिए था क्यों दो बैगों में सामान नहीं पुरा सकता था ये सारी बातें में बताती रहूंगी अब ये इन जगह को देख के इन चीजों को देख के आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि हम कहां जाने वाले हैं और थंबनेल को भी देख के आपको अंदाजा तो हो गया होगा हम जी जा रहे हैं अलहमद लामद उम्र करने जा रहे हैं आप सब ने जो है बहुत सारी दुआएं हमें भी देनी है और अपने लिए भी करनी है और उसके बाद जी हमने अहराम वगैरह लेने थे और यहाँ पे गाउन वगैरह भी मुझे देखने थे और यही जी नहीं हमने नमाज़ हनफी मैंने यहाँ पे ले ली उम्र करने का आसान तरीके की सारी दुआएं और वो सारी कॉपी ले ली आ, ताकि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन इस बारे में हो उतनी अच्छी बात है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो कोई गलती ना हो हम भी ख़ताओं का पुतला गलतियाँ तो हो जाती हैं लेकिन हमारा परविदगार हम सबको ज़रूर माफ़ कर देंगे और हम सब की बख्शिश फरमा देंगे तो उसके बाद ये गान मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका स्टफ बहुत अच्छा था और बस एक ये बात हुई कि इसमें जो है ना ये लंबा था और मुझे छोटा चाहिए था सामने मिरन में आपको आपकी आप ही नज़र आ रही होगी इधर उधर नहीं देखना आ, मिरन में देखे तो आपको नजर आ जाऊँगी उसके बाद जी ये बच्चे आ गए तो हम थक बहुत गए थे फिर हम घर गए बच्चे हमारे घर थे बच्चों को हमने पिक किया उसके बाद हम आ गए खाना खाने भूख बहुत लगी थी सुबह से निकले हुए थे अपनी चीज़ें पूरी कर रहे थे और उसके बाद बच्चों की पिनों को अपने इग्नोर करना है तो अब जी हम आ गए और शॉप पर गए खाना वगैरह खा के कुछ अपना रिलैक्स होकर फिर हमें आज ही अपने शॉपिंग कंप्लीट करनी थी तो यहाँ पे गाउन बहुत प्यारे थे लेकिन कहते हैं ना ज़्यादा जो आपको जब मिल रही होते हैं ना ऑप्शन फिर आप जो है ना एक चीज़ सेलेक्ट करनी मुश्किल हो जाती है तो यहाँ साथ साथ आपको गाउन भी दिखाती हूँ और अपनी जर्नी की कुछ बातें करते हैं बातें मैं करूँगी तो आपने बातों पर भी तोज्जह करनी है और गाउन पर भी तो करनी है बहुत प्यारे डिज़ाइन है आपने बताना है कि आप में से आपको किसको ये जो है ना गाउन पहनने का शौक़ भी है और कौन सा डिज़ाइन आपको प्यारा लगा उसके बाद जी ये वाला ड्रेस था बहुत बहुत प्यारा था इस किस तरह के कटवर बहुत प्यारे लग रहे थे लेकिन अभी कपड़े नहीं लेने थे क्योंकि इस दफा आपकी आप ही ने सारे स्टिच कपड़े लिए हैं और उसकी भी जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है तो उसकी भी जो वीडियो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी ड्रेस डिजाइनिंग की भी ठीक है जी और उसके बाद ही हम उम्र के लिए जा रहे हैं अलहद और कितने दिन का हमारा टूअर है वो सारी बातें मैं आपके चल के आपको बताऊंगी, और आप सब ने मेरे साथ रहना इस जर्नी में रहना है अल्लाह पाक के घर की ज्यारतें करें और जो है अपनी दिल की जितनी भी आपकी दुआएँ हैं वो सारी आप मांगें और हमें भी अपनी दुआ में आपने शामिल रखना है कमेंट बॉक्स में आके आपने ज़रूर दुआएँ देनी है अपने लिए भी करनी है और हमें भी दुआएँ देनी हैं ताकि हम खैर उफिया से जाएँ ख़ैर उफिया से वापस आ जाएँ और अगर मेरे दस हज़ार जो हैं सब्सक्राइबर हो गए तो मैं वहाँ पर जो है लाइव आऊँगी और लाइव आ आपको जो वहाँ की सारी ज़्यारतें भी करवाऊँगी हरम पाक की और आपने जो है लाइव बैठ कर देख के जो है वहाँ पर अपनी दिल की इतनी मुरादें होंगी माह रमज़ान में तो आपने सारी वो मांग लेनी है सारी दुआएँ कर लेनी है ठीक है जी और आपने मेरी वीडियोस को भी लाइक करना है और हमारे साथ साथ रहना है ताकि जो है हम सब मिलके जो है इस सफ़र को मिलके जो है करें और बहुत सारी ज़्यादा करें और अल्लाह मियाँ हमारे उम्र को जो है अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाएं और उसके बाद ये स्टॉलर्स थे तो इनके साथ इसी तरह की वॉच बनी हुई थी उसे स्टफ़ में वो भी बहुत अच्छी लग रही थी और उसके बाद ये इनके पास सेल लगी हुई थी छब्बीस सौ रुपये का एक ड्रेस था थ्री पीस ये ड्रेस था और उसके बाद थर्टी परसेंट ऑफ भी लगा हुआ था और इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छी है इनसे मैंने पहले भी एक दो गाउन से हुए हैं बाकी लोन की भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी और इस तरह की के ड्रेसेस आप मेरी अक्सर वीडियोस में देखती हैं कि मैं जब आपके साथ ड्रेस डिजाइन की वीडियो शेयर करी होती हूं तो इस तरह तरह के के ड्रेसेस मैं इसी तरह की शॉप से लेती हूँ ये किसी को बड़े कोई खास ब्रांड की नहीं होती हैं इसी तरह की जो जैसमीन मॉल या किसी भी मॉल से ये सारी शॉपिंग थी जो आज के दिन में हमने ये सारी शॉपिंग की थी ये जी रहे आराम और ये कुछ खाने पीने का सामान था और इसके अलावा ये पावर बैंक हमने लिया और जो जरूरी चीज़ें थी हमारे साथ ले जाने की वो ली और ये कुछ और ज़रूरी हमारा जो सामान था आ, वो लिया हमने जैसे कि बनियान वगैरह थी और इस तरह सा और ये भी कुछ हमारा इसी तरह से ही ज़रूरी सामान था कि एक दो हमने छोटे छोटे बॉक्स लिए कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह हमने ली और ये मेरा एक गाउन और इसके साथ दो तीन स्टॉलर्स हैं और ये शूज़ रहा के जो आ, मर्दों को होता है और इसमें भी वो सामान सॉरी इसको नीचे नहीं रखना था इसमें वो सामान है जो हमने साथ लेके जाना है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के बैग हो गया शूज़ बैग हो गया जिसके अंदर हमने शूज़ डालने अपने और इस तरह के छोटे छोटे जैसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना ये सारी वो जरूरी चीज़ें हैं और इसके अलावा हमने एक बड़ा बैग भी लिया और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ तो जैसे ही मैं पैकिंग करूँगी ना तो उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और अगर आपको एक कम्प्लीट वीडियो चाहिए हो आ, उम्रे की या आप ये सारे मनाजिर मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जो है बेलाइकन पर भी क्लिक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर करें और मैं आपके साथ उम्रा पैकिंग की भी सारी वीडियो शेयर करूँगी कि आपने उम्रा पैकिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ओके आज मैंने शॉपिंग में बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ना जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने बाई की हैं जैसे कि एक तकिया होते हैं पिल्लो होते हैं फोल्डेबल पिल्लो होते हैं जिसके अंदर आप बहुत ईजी से बहुत ईजी से जो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं आप इसके अंदर ही पिल्लो है इस टाइम तकिया है तो वो सारी जो पैकिंग में करूँगी तो आपको सारी ये सारी चीज़ें खोल के दिखाऊंगी अगर ये मैं सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ खोल के दिखाने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी मैं इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती क्योंकि आप छोटी वीडियो नहीं देखते तो लंबी वीडियो कैसे देखेंगे तो अगर इसी तरह की आप मेरी उम्र की सारी वीडियो देखना चाहते हैं मेरी उम्र जर्नी सारी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है और कमेंट बॉक्स में आके मेरे लिए भी दुआएं करनी है और आपने अपनी भी दुआएं बतानी है कि आप सब अपने लिए क्या क्या दुआएँ करवाना चाहते हैं और मेरे साथ साथ आपने भी जो है हरम पाक का पहली दफ़ा अगर नज़ारे देखने हैं पहली दफ़ा उसकी ज्यारत करनी है पहली दफ़ा आपने देख के अगर आप भी पहली कोई दुआ मांगना चाहते हैं तो मेरे साथ रहना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो हम सब मिलकर जो है सारी ज्यादातर करेंगे और बहुत सारी दुआएँ करेंगे और अगर मेरे तब तक टेन जो है थाउजेंड सब्सक्राइबर हो गए तो हम सब जो है मिल के वहाँ पे जो है मैं लाइव जो है आऊंगी और जो है आपको लाइव दिखाऊँगी हरम पाक और फिर आप सब भी घर बैठ के जितनी दिल की दुआएँ हो सारी आप मांग लीजिएगा तो चलिए जी आप मुझे इजाज़त दें तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा जी